ईस्टर्न इंडिया में अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में खड़ा किया है। आज थी कि कैंसर के इलाज के लिए एक ही छत के नीचे सभी समुचित इलाज का कोई व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए ऐसा देखा गया कि चूंकि कैंसर एक बहुत ही भयावह शब्द है और लगता है उसको होने पर कोई आदमी को लगता है कि भाई कैंसर हो गया तो उसके जिंदगी में अंधेरा आ गया, तो उसके लिए हम लोगों ने इस अस्पताल का नाम ही रखा सवेरा। सवेरा का मतलब हुआ कि अगर किसी के जिंदगी में कैंसर का डायग्नोसिस हुआ तो अंधेरापन आ जाता है, उसके लिए सवेरा हॉस्पिटल के रूप में ये सामने सवेरा हॉस्पिटल हमने प्रस्तुत किया है समाज को। इस अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं और हम लोग निरंतर कोशिश किए जा रहे हैं और नई नई टेक्निक की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ अवेलेबल हो। आगे हमारे डॉक्टर बीपी सिंह आपको बताएंगे कि विगत 2 सालों में हम लोगों ने कितना इस अस्पताल में कैंसर का कितना इलाज किए हैं। साथ ही इस अस्पताल में चूँकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है इसलिए इस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक यूनिट भी है जहाँ रोबोटिक सर्जरी द्वारा घुटना और खा का प्रत्यारोपण भी होता है। रोबोटिक सर्जरी पूरे ईस्टर्न इंडिया में एक ही सेंटर है जो पटना है और इस रोबोटिक सर्जरी के द्वारा बहुत ही नए तकनीक से बहुत ही कम समय में घुटना और हिप का रिप्लेसमेंट होता है, वो भी एक नई चीज अस्पताल में है। और सब जितने भी टेक्निक्स हैं पेट स्कैन MRI एंड अदर जो मेमोग्राफी है सारा चीज़ यहाँ होता है और हम आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के शुभकामनाओं के साथ इस सेवा के कार्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से कि आपका स्नेह हमें मिलता आया है हम समझते हैं कि हम इस पर और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का स्नेह रूपी जो आश्वासन और ये स्नेह रूपी जो प्यार है वो हमको मिलता रहे, हम लोग इस अस्पताल को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। साथ साथ हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे कि इस अस्पताल में BPL के रोगियों के लिए भी स्पेशल सुविधा है। रोटरी क्लब ऑफ पटना मिड टाउन एंड अदर रोटरी क्लब्स जो हैं और कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से हम लोग को कम दामों में 30% 40% पर ही बहुत से इन्वेस्टिगेशन सब लोग यहाँ करते हैं। मैमोग्राम एक ब्रेस्ट के कैंसर के लिए एक स्पेशल जांच है, उसका हम लोग कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी के द्वारा रेफर पेशेंट का फ्री में भी करते हैं। तो हम लोग गरीबों के ट्रीटमेंट और उपचार के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का मेन एम है कि जितना जल्दी आप कैंसर को पता लगाएं, जितना जल्दी उसका डायग्नोसिस हो कैंसर के इलाज उतना ही अच्छा हो जाता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं डॉक्टर बीपी सिंह को आप बता आज बहुत ही खुशी का दिन है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी संस्थान के जीवन में जब वर्षगांठ का अवसर होता है तो वह दिन बहुत ही महत्व का होता है और आज वर्षगांठ है, 2 साल पूरा हुआ है और मैंने डॉक्टर आर एन सिंह जी को जब आया तो मैंने कहा कि सर आप इस हॉस्पिटल का तो हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू सवेरा कैंसर हॉस्पिटल एंड ऑल द फैकल्टीज ऑल द आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे तो 2018 का वो दिन याद पड़ रहा है जब 2018 में मुझे डॉक्टर आर एन सिंह ने बुलाया था। ये अस्पताल पूरा बना नहीं था, इस अस्पताल के बाहर एक मंच बना था और उस मंच पे हम सब इकट्ठे हुए थे, एक दीप मैंने जलाया था, मिट्टी का वो दीप था मुझे याद है और स्वास्थ्य मेला यहाँ लगा था और उस दिन ये घोषणा हुई थी कि बहुत शीघ्र ये अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा और उसके ठीक एक दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर से लौट के एक वहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल दरभंगा में प्राइवेट हॉस्पिटल का सरसंघ चालक जी आए थे और उसका उद्घाटन हुआ था और वहाँ से मैं यहाँ आया था
और उस वक्त मैंने कहा था कि यह अस्पताल जब शुरू होगा तो राज्य की जनता को राहत मिलेगी। और उसी दिन मैंने यहाँ ये भी कहा था कि मुजफ्फरपुर के अंदर भी कैंसर हॉस्पिटल भारत सरकार के सहयोग से शुरू होने वाला है। तो यह अस्पताल तो आज 2 साल से यहाँ चल रहा है और लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से सेवा दे रहा है। जो मरीज आए हैं उसका बहुत विस्तार से समीक्षा हुआ है कि कितने मरीज और किस किस जिले से आए, किन किन रोगों के लिए आए। और